एनिवर्सरी माय लव। दिल्ली में मेहमान नवाजी आप कर रहे हो, सवारी हम दिलवा रहे हैं। मैं हूँ, ये सुषमा दीदी है और ये हमारी पार्टी हो रही है। बहन दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं एक वीर परिवार से मिलने के लिए जा रही हूँ, वो भी दिल्ली के अशोका होटल में। तो मैं किस फैमिली से मिलने जा रही हूँ, ये चीज जानने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं अशोका होटल। हम लोग ऑटो से कहाँ जा रहे हैं जिया, बताएं। गांधी चौक भुट्टे लेने, तो भुट्टे लेने जा रहे हैं जी। तो सुषमा दीदी, आपको दिल्ली आके कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई दिल्ली आके सब। अच्छा अच्छा, आपने कभी सोचा था ऐसे घूमेंगे हम लोग दिल्ली में? पूजा नहीं, ये यादगार लम्हा बना दिया एक। अच्छा, हमारी जिया मुगल की गोदी में बैठ गई है। बैठो आप परांठे वाली गली। अच्छा, ये तो वहाँ से खाड़ी वाली कितनी दूर पड़ेगा? एक किलोमीटर। ये किसके साथ बैठे? और परांठे वाली गली मेरे साथ की, मम्मी के साथ की, भैया के साथ। इस टाइप के रिक्शे पर ना मैं पहली बार बैठी हुई हूँ। मैं इस साइड में नहीं बैठी हूँ। ऐसे दोनों साइड है ना, दोनों साइड वाले में मैं नहीं बैठी हूँ अभी तक। नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, मजा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बढ़िया एक्सपीरियंस है। दिल्ली में मेहमान नवाजी आप कर रहे हो, सवारी हम दिलवा रहे हैं। अरे ऐसे हंसते बोलते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। हंसते हंसते सारे गम कट जाते हैं ना। हाँ, हंसते हंसते सारे गम कट जाते एक दूसरे के साथ। हमारी जिया किधर है? नगर में ही आ रही है। अच्छा, जिया दिल्ली की सड़कें हैं, चांदनी चौक की सड़क। उड़ा दे, कौन आ गया फिर उड़ाने वाला। और हम लोग यहीं पर से खाएंगे सबसे पुरानी दुकान, ओल्ड एंड दिल्ली फेमस कोल्ड। और चाय? चौक के पराठे खा के आपको कैसा लग रहा है दी? जिया को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। ये कौन है, आप अपने बारे में बताओ। अरे ऐसे भी बोलोगी तो आ रहा है आवाज। ये हमारी जिया का खाना आ गया है, गरम है, पका मत लेना। चॉकलेट शेक जिया का। ये मसाला डोसा आ गया है, मेरा खाना आ गया सबसे लास्ट में लगता है। दीदी ये मैं हूँ, ये सुषमा दीदी है और ये हमारी पार्टी हो रही है। लोग अब एंट्री कर रहे हैं अपने रूम की तरफ। हाँ। हमारी पार्टी अभी खत्म हो चुकी है, आज की पार्टी खत्म हो चुकी है, कल की पार्टी अभी बाकी है। नाइट आउट हो गया हमारा, अभी अभी प्लानिंग करनी है कल क्या करनी है, धमाल मस्ती। बिकॉज कल मेरा मतलब कि लाइफ का एक बिग डे है जो मैं पूजा के साथ और मेरे खास लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। एक्चुअली कल दीदी का वेडिंग एनिवर्सरी है और वो इसलिए स्पेशली यहाँ पे आई हुई है। तो कल वीडियो में बने रहिएगा दीदी का वेडिंग एनिवर्सरी देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वी आर इन अशोका होटल और आज दीदी का वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हम लोग अभी केक ऑर्डर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप अभी मतलब रेडी करते हैं या फिर ऑलरेडी जो बना बनाया
कौन सा वनीला करवा लूँ? हाँ वो भी अच्छा लगता है, वनीला तो लगता है या पाइनएप्पल। आपको कौन सा फ्लेवर सही लगता है? पाइनएप्पल भी अच्छा लगता है। अभी हमने केक बुकिंग कर ली हुई है और टेबल भी बुक कर लिया हुआ है। नहीं दोस्तों, तो आज जैसा कि मैंने बताया कि आज दीदी का वेडिंग एनिवर्सरी है और हम लोग दीदी के वेडिंग एनिवर्सरी पे जा रहे हैं नेशनल वार मेमोरियल। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए नेशनल वार मेमोरियल और वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों मैंने अपनी कैब बुक कर लिया और हम लोग दीदी के साथ, सुषमा दीदी के साथ जा रहे हैं अभी नेशनल वार मेमोरियल। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। याद रखिए ठीक है। मैम इसका फोटो आप लेकर ले, पूजा फोटो ले लो। सिक्स डी है, ये सेवन है, सेवन डी, ये सिक्स है, सिक्स डी। मैं आगे अगले वाला कॉलम है। हाँ इधर से ही चलते हैं। फिर कितनी मतलब वीरों ने शहादत दी हुई है, यहाँ पे नाम खत्म होने का है ही नहीं। क्या जिया आ गया, जाओ बच्चे मेरे उस पे। जिया उस पे नहीं चढ़ते, जिया उस पे नहीं चढ़ते, इस पे नहीं चढ़ते। ये 17 है दी, यहीं पे होगा 17 का। ये इसमें लो फोटो ले लो। दोनों मत लगाओ जी, दीदी आप भी लगाओ। अच्छा ये एन के जो ने, अच्छा जय हिंद दोस्तों। आज अशोक चक्र से अलंकृत ज्योति प्रकाश निराला जी का शादी की सालगिरह है और उनकी वीरांगना शादी की सालगिरह मनाने के लिए नेशनल वार मेमोरियल में आई हुई है। तो वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आज हमारी शादी की 11वीं सालगिरह है और मैं ये चाहती थी कि आज का दिन यादगार बने, इसलिए मैं अपने पति के साथ ज्योति के साथ आज ये शादी की 11वीं सालगिरह मनाने के लिए आई हुई हूँ। बोलते हैं कि 11वीं सालगिरह बहुत स्पेशल होती है, इसीलिए मैं आज ये लम्हा स्पेशल बनाने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल में आई हुई हूँ अपने पति के साथ 11वीं सालगिरह मनाने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी ज्योति, लव यू सो मच। शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुषमा दीदी। थैंक यू सो मच डियर। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव।
you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? सुषमा दी अब जा रही है, दिल्ली से जा रही है।